हमारी सबसे पहली चौड़ाई की जो फल है ना, पपीते की फल, उसको हम लोग जगदलपुर में 25 रुपया किलो में बेचे हैं। और दूसरी चौड़ाई का जो फल है ना, वो दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में 70 रुपये किलो में हम लोग नीलामी किए हैं। अभी हमारा आमदनी पपीते की खेती से 10 लाख तक पार हो गया है। नमस्कार, मैं नीतू सिंह सेठ, साप रूरल इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। जब हम बस्तर ज़िले का नाम लेते हैं, बस्तर का नाम लेते हैं, तो आपके जहन में किस तरह की तस्वीर आती है? नक्सलवादी, माओवादी, हिंसा। हम आपको बस्तर के इससे इतर एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आज अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये बस्तर ज़िला है, ये वहाँ का एक फार्म हाउस है जिसपे कई एकड़ फार्म हाउस में सिर्फ पपीते की खेती हो रही है और बड़े पैमाने पे पपीते की खेती हो रही है। और इस पपीते की खेती की एक विशेषता ये है कि इसे यहाँ की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लीड कर रही हैं। खेत में बोने से लेकर इसके मार्केटिंग का पूरा जिम्मा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के ज़िम्मे है। चलिए हम यहाँ की महिलाओं से मिलते हैं और समझते हैं कि इस तरह की खेती करने का पूरा प्रोसेस क्या है। आप लोगों का ही खेत है? नहीं सर, आप तो आप ये सरकार का है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ काम करने आते हैं, तो इसमें आपको डेली का 150 रुपये मिलता है? जो काम में आते हैं ना, उसका हाजिरी डालते हैं 150 में। 150 रुपये में तो रोज का रोज पैसा मिलता है या फिर महीने नहीं, में? अभी तक हम लोग को पैसा ही नहीं मिल रहा है पैसा, लेकिन हम लोग ना नहीं बांटे हैं। अच्छा, तो जो पपीता बेच रहे हैं वो खाता में डल रहा है। अच्छा, तो अभी पैसा आप लोगों को मिला नहीं है? कब से नहीं मिला है? हो गया 10 महीना। 10 महीने से पैसा ही नहीं मिला? खाता में है पैसा। किसके खाते में? पपीता बेचने वाले के? नहीं, हमारे खाते में, समूह खाता है। समूह के खाते में? तो आप सभी लोग समूह की महिलाएं हैं, आप ही लोग चलाती हैं इसको? जी। तो ये जगह किसकी है? ये जगह सरकार की है। ये सरकार की खेती है, उन्हीं की लागत है, सब कुछ उनका है, बस जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो महिलाएं ही बेचती हैं इसको? जी। हैं? जी। मार्केटिंग कौन करता है? महिलाएं? हाँ। बेचने बेचने का सब काम महिलाएं करती हैं? अरे वाह। हम लोग यहाँ पे खेती करते हैं और यहाँ पे ना हम लोग अभी हो रहा है 8 महीना तब से जुड़े हैं, यहाँ पे खेती कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे 8 समूह की महिलाएं एक समूह बनाकर जुड़े हैं और समूह का नाम है माँ दंतेश्वरी पपीता उत्पादक समिति। और इसमें सभी 43 महिलाएं मिलकर काम करती है। और हम लोग को ट्रेनिंग के लिए बाहर ले गया, जैसे कि बस्तर ले गया था, बस्तर बगान में, और हम लोग को वहाँ पर ट्रेनिंग देते थे पपीता की खेती किस तरह से करते हैं। हम लोग वहाँ पर जाते थे और देखते थे, उसके बाद यहाँ पर आके हम लोग अपने गाँव में किए हैं। और पहले हम लोग खाली रहते थे, हमारे पास कुछ नहीं था, जैसे कि हम लोग अपने ही खेत में और किसी के घर में काम करते थे, यानी कि जैसे कि दूसरे के खेत में हम लोग काम करने के लिए जाते थे और बाकी समय तो खाली रहते थे। और अभी हमको इस टाइम में भी जैसे कि अभी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग अच्छा लगता है कि हम लोग 43 महिलाएं मिलकर के खेती करते हैं और अभी तक हमारा आमदनी इतना तक हो गया है। और ये ज़मीन पूरे 10 एकड़ में है और हम लोग ना मैम 11 जनवरी को यहाँ पे टीपी किए हैं और सबसे पहली तुड़ाई 6 जुलाई को किए हैं। इसकी बुआई किस समय की जाती है और इसकी तुड़ाई कब की जाती है? कितने दिनों का फल है ये? कितनी अभी तक ना मैम, मतलब कि हम लोग जब सबसे फर्स्ट वाला फल है ना, वो 6 महीना से भी कम समय में हम लोग तोड़े हैं। अच्छा, और इसको लगाने का कौन सा समय है? हम लोग ना इसको क्या बोलते हैं, जनवरी को लगाए थे, 11 जनवरी को। अच्छा, और 27 में लगाए थे 11 जनवरी को, तो अभी तुड़ाई स्टार्ट हो गया। ये कौन सी प्रजाति है, कोई स्पेशल प्रजाति? हाँ, है अमीना है। अमीना है। हाँ। और इसमें कुछ भी रासायन खाद वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ आप गोबर खाद डालते हैं हम लोग। यहाँ पर ना 10 एकड़ में लगाई हम लोग। अच्छा, पहले जोताई की, जोताई करने के बाद ना पत्थर निकला तो पत्थर को उठा के बाहर फेंक दिए हैं, ट्रैक्टर के साथ बाहर फेंके हैं, ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर का डाली में डाले, उसके बाद बाहर फेंक दिए। पत्थर हाथ से भी नहीं पूरा? हाथ से भी नहीं है पत्थर को, फिर रात से बीने आ रही पर ना मिट्टी थोड़ा कम हो रहा था। हाँ। इसलिए बेड बनाने के लिए बाहर से फिर मिट्टी लाए, संतान किए, पूरा संतान करने के बाद बेड बनाए और ड्रिप पाइप बिछाए, उसके बाद फिर मल्चिंग बिछाए, उसके बाद पौधा को रोपण किए, चेदा बना के रोपण किए हैं। ये कितने दिन पुरानी फसल है?
एक साल साल नहीं हुआ है, 11 महीना हो गया है। 11 महीना और कितने बार इसमें फल, इसमें अभी उत्पादन ले रहे हैं, पपीता ले रहे हैं? ले रहे हैं, मतलब क्या शुरू करे हैं बेचने के लिए। ये पहली बार शुरू किया है? पहली बार नहीं, हो गया है और भी बिक चुका है। हाँ, बिक चुका है। अच्छा, तो इससे पहले यहाँ पे किस चीज की खेती होती थी जब पपीता नहीं था? तो उतना समय खेती यहाँ पर कोसरा दान क्या क्या या कुछ कर रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा था फसल, पूरा पत्थर था इसलिए नहीं हो रहा था। और ये जमीन किसकी है? सरकार का है। सरकार का जमीन है। हाँ, और इसको अभी यहाँ की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, हाँ, वो कर रही हैं। हाँ, आप समूह से जुड़ी हैं? हाँ, समूह में जुड़े हैं। कौन से समूह से जुड़ी हैं? माँ दंतेश्वरी। अच्छा, कितने समूह की महिलाएं इसे कर रही हैं? पूरा 43 जुड़े हैं। 43 समूह जुड़े हैं? एक समूह या 43 समूह? मतलब की एकता है, एक समूह, एक समूह है। मतलब समूह में ना अलग अलग दूसरा दूसरा समूह में जुड़े हैं, मतलब दोनों पारा के ना, दोनों पारा में हम लोग जिसको करने वाला है उन लोग फिर आके यहाँ पर हम लोग भी जुड़ेंगे बोलकर फिर यहाँ ये समूह में जुड़े हैं। अच्छा, तो अभी कितनी महिलाएं कर रही हैं इसको? अभी यहाँ पर 43 महिलाएं हैं। जो कितने गाँव की हैं? दो गाँव के हैं। दो गांव की 43 महिलाएं कर रही हैं। तो अगर आप यहां पे काम करते हैं तो आपको पैसा भी मिलता है? नहीं, हम लोग खुद लगाया, हम लोग बेच रहे हैं, सब खत्म होने से बाद हिसाब करेंगे। हाँ, हिसाब करेंगे और उसके बाद अच्छा बांटेंगे। हमें यहां की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि इसे, ये सरकारी जमीन है और इसे सरकार की तरफ से हमें मदद किया जा रहा है और हम इसको अपने तरीके से काम कर रहे हैं, इससे उनका वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।